हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फाइट गणेशा। तो दोस्तों, होली पर आजमाए धन वृद्धि के ये असरदार टोटके, घर में होगी धन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, होली का त्यौहार धन वृद्धि के उपाय आजमाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि होली पर धन वृद्धि के उपाय आजमाने से विशेष लाभ होता है और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, होली दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होली का दहन की रात को माँ सिद्धि रात माना गया है। दोस्तों, इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि होली पर धन वृद्धि के लिए कौन से टोटके करना अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर पहले हल्का सा एक खड्डा खोदा जाता है। दोस्तों, इस बार होली का दहन पर जब आप ये खड्डा खोदे तो उसमें थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा दबा दे। दोस्तों, ये तीनों धातुएं इतनी होनी चाहिए कि इनसे मध्यम उंगली के नाप का एक छल्ला बन सके। दोस्तों, उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके होली का दहन करें। फिर होली की राख ठंडी हो जाए तो इन धातुओं को निकालकर उससे अपने लिए एक छल्ला बनाकर शुक्रवार के दिन मध्यम उंगली में धारण करें। दोस्तों, महालक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होकर हर सुख प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, ये अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, पान के पत्ते का उपाय। जी हाँ दोस्तों, पान के पत्ते महालक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। होली का दहन से पहले 7 पान के पत्ते ले। होली का दहन के वक्त 7 बार चारों तरफ घूमकर उसकी परिक्रमा करें। दोस्तों, हर बार की परिक्रमा पूरी करने पर एक पान का पत्ता होलिका में अर्पित करते रहे। दोस्तों, ऐसा 7 बार करते हुए पान के पत्तों को चढ़ा दे। दोस्तों, 7 ही पत्ते उसमें चढ़ा दे। दोस्तों, इससे महालक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, नारियल का उपाय। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री महालक्ष्मी जी की एक नाम है और नारियल महालक्ष्मी को बेहद प्रिय है। दोस्तों, होलिका की अग्नि में नारियल अर्पित करने से आपके घर से धन की तंगी दूर हो जाती है। जलती होली में नारियल के साथ पान और सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त मनी मन में महालक्ष्मी जी का ध्यान करते रहे। ऐसा करने से आपके घर में महालक्ष्मी जी का वास होगा। तो दोस्तों, अवश्य करें। तो दोस्तों, होली की राख से करें ये खास उपाय। होली का दहन अगले दिन सुबह होली की राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उस कपड़े में स्फटिक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और 5 पीली कौड़ी रख ले। दोस्तों, इन सब वस्तुओं को अपने घर में तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दे। ऐसा करने से आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है और आपके धन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, खीर का उपाय। दोस्तों, होलिका की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात पर महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए केसर की खीर बनाए और उससे महालक्ष्मी जी को भोग लगाए। इस खीर को भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्याओं को खिलाए और एक हिस्से में परिवार के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें और एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करें। होली से शुरू करके ऐसा हर शुक्रवार करें। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी और महालक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, इस तरह होली के मौके पर आप ये उपाय करते हैं तो महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। तो दोस्तों, ये उपाय अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।